जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी काम कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए और चैट बॉक्स में लिख के बताइए एम आई ऑडिबल। तो सभी दोस्तों यहाँ पे लिख के बताएंगे बी एक्टिव लीडर्स, यहाँ पे सभी चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जल्दी से 200 से ज्यादा लोग हैं, मैसेज अभी तक 20 लोगों के भी नहीं आए हैं। माय डियर फ्रेंड, बी एक्टिव। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होता है, 30-40 मिनट का सेशन होता है, लेकिन अगर उसको हम ध्यान से सुन लगे तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल जाए। हर ट्रेनिंग, हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, राइट। और दोस्तों जो सेशन है ये फेसबुक पे भी बिल्कुल लाइव चल रहा है, और आप अपनी अपनी टीम को यहाँ पे टैग कर सकते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस सेशन को ध्यान से सुन सके, क्योंकि सेशन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जैसे कि आप सबने देखा है। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है मिशन फिट इंडिया, जी हाँ दोस्तों, मिशन फिट इंडिया के तहत आज का जो हमारा सेशन है वो होने जा रहा है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे जितने भी हमारे कीवा काइको इंडस्ट्रीज के जितने भी लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि हम मिशन फिट इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने आस पड़ोस को, अपनी फैमिली को यहाँ पे फिट रख सके। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर पार्टिसिपेशन, आप सभी का यहाँ पे अपना अपना कीमती समय निकालकर जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों सेशन शुरू करेंगे, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी डिटेल अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, राइट। लेकिन सेशन को हम लोग ध्यान से सुनते रहेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों क्या आप सभी तैयार हैं आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए माय डियर फ्रेंड, क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? राइट, रेडी, रेडी, रेडी। थैंक यू। राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है बिना किसी देरी के, और देखते हैं आज का सेशन क्या हमारे लिए जबरदस्त लेके आने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट अ हेल्दी वेट मैनेजमेंट लाइफस्टाइल दिस न्यू ईयर। ये जो साल है दोस्तों, इस साल में हम एक नया रेजोल्यूशन जो है वो ला सकते हैं, हम अपने आप को, अपने पूरी फैमिली को, अपने आस पड़ोस को यहाँ पे स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धरेंद्र सिंह कीवा काइको इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन खास आप सब लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आप सबने जाना है, मिशन फिट इंडिया यानी कि वेट मैनेजमेंट के ऊपर आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन में वेट मैनेजमेंट में जो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, बहुत ही खास प्रोडक्ट है, जैसे कि कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, इसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें कर लेना भी आवश्यक है। वी ऑल फेस हेल्थ इश्यूज सच एज, हम बहुत सारे दोस्तों जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको फेस करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे खान पान की आदतों की वजह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमको और हमारे परिवार को, आस पड़ोस को जकड़ती जा रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, एक्सेस यूज ऑफ जंक फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव शेड्यूल, जेनेटिक प्रॉब्लम, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, एनवायरमेंटल क्वालिटी। ये जो सभी हेल्थ इश्यूज हैं ये किस वजह से आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इसे हम अपनी आदतें बोल सकते हैं, हमारा खाने पीने का लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, कुछ मौसम की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ हमारी आदतों की वजह से भी हो सकते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, 135 करोड़ की आबादी, उससे ज्यादा की आबादी हो चुकी है, और ज्यादातर लोग यहाँ पे ओबेसिटी की वजह से उससे सफर कर रहे हैं। मोर देन 135 मिलियन इंडिविजुअल्स वर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। Obesity, यानी कि मोटापा, इज वन ऑफ द मेन मेडिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार के ऊपर बोझ है, समाज के ऊपर बोझ है, हम सबके ऊपर बोझ है मोटापा, अगर हम बेसिकली इसकी बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे सफर करती हैं। ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडिया फेसिंग हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी। हमारी आदतों की वजह से, हमारे तौर तरीके, हमारे रहने पीने की, खाने पीने की वजह से हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से इंडिया जो है आज की डेट में हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी पे खड़ा है। अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 4 में से 3 इंडियन जो है दोस्तों वो लगभग यहाँ पे ओवरवेट हैं। जी हाँ, 4 में से 3 इंडियन, 73% शहर के जो लोग हैं वो ओवरवेट हैं,
ऑलमोस्ट हाफ अर्बन इंडियंस आर ओबीज, आधे जो इंडियंस हैं वो ओबीज हैं यहाँ पे। मैक्सिमम रिस्क एज 28 से 38 साल के बीच में रहता है, राइट। यहाँ पे लोग वेट गेन करते हैं, वेट लूज कर सकते हैं, तो ये जो साल होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। एवरेज एज पर्सन गो फ्रॉम हेल्दी एट 26 टू ओबीज एट 38 ईयर्स। ये जो यहाँ पे लगभग 10-12 साल का ये जो रहता है पीरियड रहता है यहाँ पे लगभग 26 से 38 साल के बीच में अगर हम मान के चले, तो यहाँ पे अब आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। मोटापा है तो डेफिनेटली बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर मोटापा कम कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं कि आगे चल के हमें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़ जाए, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, अब इसके कॉजेज क्या है, रीजन क्या है, इंडिया में मोटापे का कारण क्या है? हमारे खाने पीने की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी कम है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है, रॉन्ग पेरेंटल अप्रोच की वजह से हो सकता है, वर्किंग स्टेटस जो पेरेंट्स हैं उनका जो वर्किंग शेड्यूल जो है, अगर दोनों पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो कई बार बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, राइट। एकेडमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह जो रहती है वो इंडिया में ओबेसिटी का कारण बनती है। हेल्थ इशू क्या क्या आते हैं ओबेसिटी की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में? हार्ट डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज हो गया, हाइपरलिपिडेमिया जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, अदर डिजीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो किसकी वजह से आती हैं, हमारे मोटापे की वजह से, जो हम खा पी रहे हैं जिसकी वजह से मोटापा हमें हो रहा है, राइट। और बहुत सारी जो डिजीजेज जो ओबेसिटी की वजह से आती हैं दोस्तों, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारे कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कोलोन, एंडोमेट्रियल, गॉल ब्लैडर, किडनी एंड लिवर, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकते हैं, फैटी लिवर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया और सांस की समस्याएं हो सकती हैं, अर्थराइटिस एंड इनफर्टिलिटी फीमेल में, स्पेशली इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मोटापा उनमें से एक मेजर रोल प्ले करता है। तभी बहुत सारी जो गायनेकोलॉजिस्ट वो फीमेल्स को ये सलाह देती हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो प्लीज मोटापा कम कर लीजिए, प्रेगनेंसी हो जाएगी, राइट। चेक कीजिए आपके आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली किसकी वजह से, मोटापे की वजह से। टैकलिंग विद ओबेसिटी, कैसे इससे हम डील कैसे कर सकते हैं ओबेसिटी से, कैसे लड़ सकते हैं? हमें खाना अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए, 30 मिनट का कम से कम हमारा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, चाहे आपका वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी हो सकता है, योगा हो सकता है, और शराब का सेवन और स्मोकिंग ये नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इससे दूर हमें रहना चाहिए। डिस्ट्रेस योर माइंड बाय एंगेजिंग इन योगा एंड मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं अपने आप में, अपने आप को अंदर से भीतर से जान सकते हैं, और जो आपका कैलोरी इनटेक है, कितनी कैलोरीज हम डेली का ले रहे हैं, अगर उसका आपको पता चल जाए तो माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ आप यहाँ पे आसान और बहुत कुछ आगे तक कर सकते हैं, स्पेशली मोटापे को लेके, राइट। सो व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? खाना जो हम खाते हैं जब हम भूखे होते हैं, जब हम भूखे नहीं होते तो खाना हम नहीं खाते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो हमारी डेली बेसिस पे रोजाना जो हमारी बॉडी की नीड है हमें फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो हमारा वहां पे न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, राइट। और दोस्तों अगर हम बात करें व्हाट इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ये जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है ये क्या है, जो कि डेली सप्लीमेंट जो हमारी डाइट में, एक ऐसी डाइट हमारी होनी चाहिए डेली के, हमें न्यूट्रिशन इतनी मात्रा में मिलने चाहिए कि हम लोग स्वस्थ रह सके, बीमारियों से दूर रह सके। अच्छा ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रोज चाहिए? कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि प्रोटीन, एसेंशियल फैट, फाइबर, वाइटमिन हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डेली की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रहती है। नीड ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन टू बॉडी, कौन कौन से प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम बात करें, ये बेसिकली करते क्या है, इनकी नीड क्या है, जरूरत क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन की? हमारा जो वेट है उसको मेंटेन रखता है, बॉडी के अनुसार, हाइट के अनुसार कितना हमारा वेट होना चाहिए, जैसे कि हम BMI मशीन के ऊपर हम चेक करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट उसके मिल रहे हैं। डेफिनेटली जो लीडर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स BMI मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो प्रोडक्ट आज हम इनको करने वाले हैं ये उनके लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि 95% लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो ओबीज हैं,
जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं वो मोटापे के कारण है, जिनको आप बीएमआई मशीन के ऊपर चढ़ाएंगे 90% ऐसे लोग होंगे जिनको इन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिन प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। मील रिप्लेसमेंट तो लिख के रख लीजिए, लिख के, ये तो हर एक घर की जरूरत है, चाहे मोटापा है या नहीं है, लेकिन जिसको मोटापा नहीं भी है उसको भी वो फिट रखने का काम करता है। मोटापा नहीं है, कमजोरी है, यानी कि आगे चल के भाई सब बीमारियां यहां पे भी लगने वाली हैं, और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा बॉडी को, तो बीमारी तो गंभीर लगेंगी, मोटापा है तो भी बीमारी लगेंगी। यानी कि हमें एक एक ऐसे न्यूट्रल, एक ऐसा वेट चाहिए, हमें ऐसा वेट मैनेजमेंट चाहिए, कम है वेट, कम है तो उसको प्रॉपर करे, वेट ज्यादा है तो उसको मेंटेन करे, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। तो उसमें बीएमआई जो मशीन है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जिन्होंने भी इसको लिया है और जिन्होंने भी इसका जो डेमो है वो दिखाया है, वो खुद जानते हैं कि सर जब भी हम इसका डेमो दिखाते हैं तो डेमो दिखाने के बाद 90% हमारा काम हो जाता है, बाकी का 10% बस उससे बातचीत करना रह जाता है, और जो अच्छे से बातचीत कर लेता है वो डेफिनेटली उसको सेल तो मिल ही जाती है, 200% सेल मिलती है अगर कोई भी इस काम को करता है तो। क्योंकि जब मेंटली तौर पे आप किसी को किसी चीज का एक्सपीरियंस करवाते हैं, ये साइकोलॉजिकली चीज है, जब आप किसी को किसी चीज का एक्सपीरियंस करवाते हैं तो वो पर्सन उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी भावनाएं आप उसको कह सकते हैं, इंटरनल जो फीलिंग्स है उसकी कह सकते हैं कि वो आपके साथ अटैच हो जाता है, उसको लगता है, क्योंकि जब उसके बारे में, अपने हेल्थ के बारे में जब उसको पता चलता है कि मेरी हेल्थ कहाँ पे खड़ी है और मुझे इन चीजों की जरूरत है, तो वो दोस्तों वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आपका वेट मैनेज करता है, बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट हो गया या कैंसर वगैरह हो गया, उनसे खतरे को आपको दूर रखता है, ओवर ऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करता है, लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल, इंप्रूव योर वेल बींग, इंप्रूव योर अबिलिटी टू फाइट विद इलनेस, बीमारियों से लड़ने में आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपकी को, और आपकी जो बीमारी है या इंजरी है कुछ भी है तो उसको रिकवरी में आपको हेल्प करता है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करके रखता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने एनर्जी की बात करूं कि जो मेरा एनर्जी लेवल है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आपको मेरा जो एनर्जी लेवल है वो कैसा लगता है, लेकिन जो पर्सनली मैं फील करता हूं, मेरे लिए ये जो मील रिप्लेसमेंट है, ये एक तरीके का है कि जिस दिन मैं या मेरी फैमिली इसको मिस करते हैं, डेफिनेटली कई बार जैसे बाहर जाना पड़ जाता है या कई बार कभी मिस हो जाता है, तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार आज कुछ बहुत बड़ी जो चीज है वो आज मिस की है, अंदर से इंटरनल फीलिंग जो है वो ऐसी रहती है, राइट। तो एक एनर्जी का जो सोर्स है, अगर उसमें मैं एक बात करूं तो डेफिनेटली मील रिप्लेसमेंट उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कोशिश कीजिए हम सब इसको इस्तेमाल करें, राइट। डेफिनेटली दोस्तों importance of nutrition and weight status, health diet जो है, healthy diet अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे खतरे को कम कर देती है, overweight, obesity के खतरे को, cardiac issue, heart के संबंधी कुछ समस्याएं हैं, type 2 diabetes हो गया, cancer हो गया, dyslipidemia, जैसे कि lipid profile अगर वो poor है, deficiency disease and malnutrition, सभी के खतरे में आपका ये बहुत ही major role play करता है। essential nutrients of life, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, विटामिन ए, डी, ई, के, B1, B12, B6, B2, B5, B3, B9। मिनरल्स की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, आयरन फ्लोराइड, मॉलिब्डेनम, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करके किसी को करके करोगे भी क्या, आगे किसको क्या समझाओगे, उसके ऊपर से निकलेगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इतने बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं, आपने सिर्फ ये उनको बताना है, ये खुद आपके लिए है। जब आप पर्सनल इसको इस्तेमाल करेंगे, आप फील करेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि जो चीज आपने फील कर ली है लोग उस फीलिंग के साथ जुड़ते हैं, जिस फीलिंग के साथ आप इसको बताते हैं। अमीनो एसिड्स वगैरह हो गया, हिस्टोडीन, आइसोलियन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइलालाइन हो गया, और दोस्तों थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ये बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। टू हेल्प इन फुलफिलिंग डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को डेली का जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों कीवा मील रिप्लेसमेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये एक बेसिकली आइडियल ब्रेकफास्ट है एंड मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट यानी कि एक मील को रिप्लेस किया, जो भी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उस ब्रेकफास्ट की जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर लिया।
राइट और ये सोया प्रोटीन बेस्ड है, पैक्ड विद विटामिंस एंड मिनरल्स, एसेंशियल जो एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स है वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, क्वालिटी डाइटरी फाइबर इसके अंदर मौजूद है, कैलोरी कम है, फैट्स एंड सोडियम इसमें कम मात्रा में है, राइट और ये आपको मैंगो फ्लेवर के अंदर, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर के अंदर हमें यहाँ पे ये मिलता है। व्हाट डू वी मीन बाय मील रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है मील रिप्लेसमेंट का, ये बेसिकली हमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जैसे कि जो मील के विदाउट ओवरलोडिंग ऑन कैलोरीज फैट एंड शुगर। अब जो हम नाश्ता कर रहे हैं मान लीजिए उसमें कैलोरीज हो सकती हैं, अगर कुछ पराठा वगैरह या कुछ ऐसा खा रहे हैं या कुछ चपाती वगैरह कुछ ऐसा खा रहे हैं, फैट हो सकती है, शुगर हो सकती है। तो अगर हम एक ऑप्टिमम प्रोटीन और वाइटल मिनरल्स और विटामिंस वगैरह हो गया तो ये हमें मील रिप्लेसमेंट से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा फालतू कुछ भी नहीं है जो हमें मोटापे की तरफ लेके जाता है, बीमारियों की तरफ, मोटापा छोड़िए उसको बीमारियों की तरफ बोले, बीमारियों की तरफ लेके जाता है, बहुत ही इफेक्टिव है वेट मैनेजमेंट के अंदर। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जैसे कि हमने जाना इसमें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशन हैं, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिनोलेनिक एसिड, विटामिन हमने जितने तरह के भी देखे, राइट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट हो गया, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट हो गया, वो सभी इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन कंसंट्रेटेड 80%, शुगर, कॉर्न डेक्सट्रिन, सोया फैट पाउडर 50% इसके अंदर मौजूद है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ इसको याद मत कीजिएगा, इसको सिर्फ समझिए, इसको सिर्फ समझिए, अपने भीतर तक जाने दीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा, राइट। और दोस्तों कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर की अगर बात करें, लो इन कैलोरी इनटेक, कैलोरी बहुत कम है, नियरली 90 कैलोरीज होती हैं, फैट कंटेंट 1% रहता है, नेग्लिजिबल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है इसके अंदर, कार्ब्स जो होते हैं नियरली 4% इसके अंदर मौजूद रहते हैं, राइट। और BCA इन वेट लॉस की अगर हम बात करें तो दोस्तों BCA इसमें बेसिकली 3 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलाइन। ये बेसिकली क्या होता है, जो शुगर क्रेविंग होती है उनको कम करता है, राइट। जितना हार्ड आप एक्सरसाइज करते हैं आपका फैट उतना अच्छा बर्न होता है, उतना ज्यादा बर्न होता है आपकी, बेसिकली ये स्टेमिना को बढ़ाता है ये, राइट। मसल सोरनेस हो जाता है तो बेसिकली उससे आपको दूर करता है ताकि आप ज्यादा ट्रेनिंग कर सको, राइट। फैट लॉस करता है डेफिनेटली, मसल मास जो है फैट लॉस उसको मेंटेन करता है और फैट को ये लॉस करता है, कम करता है। और जो BCA है आपकी वेट लॉस में और वेट मैनेजमेंट में आपकी बहुत हेल्प करता है। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स जो की अगर बात करें तो हम, तो वेट गेन और एनहांस फैट लॉस को कम करता है, फैट लॉस को ये बढ़ाता है। और ये यहाँ पे आपका जो आपका वेट है और जो फिजिक आप पाना चाहते हैं, जो जैसे बॉडी जैसा शरीर आप पाना चाहते हैं वहां पे वो आपको लेके आता है। अनवांटेड जो फैट होती है ये उससे आपको कवर अप करता है, राइट। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द कीवा मील रिप्लेसमेंट, क्या क्या बेनिफिट है, वैसे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली है, जैसे कि पोर्शन कंट्रोल, राइट, कंट्रोलिंग कैलोरीज इनटेक, आपकी कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करता है, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जितना डिजायर्ड प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें मिलता है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करता है, राइट। अ ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट के लिए एक ग्रेट स्ट्रेटजी है। रेकमेंडेड डोसेज, अब कितना लेना है, बिल्कुल सिंपल है इसको लेना, 2 लेवल स्कूप यानी कि 2 स्कूप इसके जो इसके अंदर मौजूद रहता है, 35 ग्राम का जो पाउडर है वो 250 ml स्किम्ड मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करके, अच्छे तरीके से इसको घोल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है, राइट। सेकेंड दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है मेडोहारा टैबलेट, जी दोस्तों मेडोहारा टैबलेट याद रख लीजिए, BMI मशीन के साथ में आप ये जो प्रोडक्ट है आप उनको दे सकते हैं, कीवा मील रिप्लेसमेंट पाउडर, मेडोहारा टैबलेट, ये भी आप साथ में दे सकते हैं, बर्न एक्सेस फैट, फालतू का जो फैट है उसको ये बर्न करता है। ओबेसिटी अगर हम बात करें, नॉर्मल वेट जो है वो 20-30% अगर बढ़ जाता है तो हम उसको बेसिकली ओबीस मानना शुरू कर देते हैं, वो ओबीस के अंदर आ जाता है, तो फिर बीमारियां बहुत सारी लग जाती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, ओबीस पर्सन को कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, बैक पेन, कोरोनरी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस और मैनी मोर, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लगनी शुरू हो जाती हैं। मेडोहारा टैबलेट जो दोस्तों है ये बेसिकली हर्ब्स के ऊपर बेस्ड है, जो जड़ी बूटे जिनको हम बोलते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है, ये फैट को रिमूव करता है, जैसे पेट की चर्बी है, एंकल्स की, एड़ी की चर्बी है, बाजू की चर्बी है, थाइस वगैरह की चर्बी है, यानी कि आपको प्रॉपर शेप में लेके आता है, और मेन और वुमेन दोनों में ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है, राइट। इंग्रेडिएंट्स अगर इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि निशोथ 100 mg,
Agrimant 100 mg, Trifla 100 mg, Kokum 100 mg, Methi 100 mg, Yashti Madhu 100 mg, Chitrak 75 mg, Lasun 75 mg, Arjun 75 mg. ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत शानदार बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके मेटाबॉलिक रेट को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है, पाचन क्रिया को रेगुलेट कर रहा है, जो अननेसेसरी, जो बिना वजह का जो फैट डेपोजिशन हो रखा है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, एड़ियों से, आर्म से, बैली से, पेट से, जो भी आपका जो फैट है उसको कम करता है, आपको शेप में लेके आता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और एक तरीके से ये फिल्टर का काम करता है, नेचुरल ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है आपको, आपकी बॉडी को, राइट। डोसेज लेना कैसे है? बिल्कुल सिंपल है, वन टैबलेट ट्वाइस डेली ऑन एन एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर मॉर्निंग एंड इवनिंग में। सुबह शाम खाना खाने से पहले एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 6 से 12 महीने तक इसको रेगुलर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मील रिप्लेसमेंट आप इसके साथ में ले सकते हैं, तो डेफिनेटली डाइट आप बहुत अच्छी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। और अगर आपको लग रहा है कोई हेल्थ इश्यू पहले से चल रहा है, कोई सीरियस इश्यू है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके भी इसको ले सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट, ये पर्सन टू पर्सन इसका जो रिजल्ट है वो वेरी करता है। अब ये क्यों करता है? सबका मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग होता है, राइट। किसी को महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत शानदार मिलते हैं, राइट। और दोस्तों, जो तीसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कीवा तुलसी ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, कीवा तुलसी ग्रीन टी। बीएमआई मशीन के साथ में इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप आसानी से किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं। जी दोस्तों, ग्रीन टी, ग्रीन टी को दोस्तों वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट ड्रिंक जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, हाईएस्ट मात्रा में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। किसी भी चाय के अंदर उतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं जितने कि यहाँ पे कीवा ग्रीन टी के अंदर आपको मिल जाएंगे स्पेशली, राइट। तो नेचुरल केमिकल जैसे कि पॉलीफिनोल्स हो गया, और इसकी क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इसके अंदर होते हैं, यानी कि सूजन नहीं आती है, और कैंसर बनने के जो कुछ कारण होते हैं उनको ये दूर करता है। तो यानी कि जो रिजल्ट हैं वो इसके बहुत ही शानदार रहते हैं। और दोस्तों, ग्रीन टी जो है अप्रोक्सीमेटली 20 से 45% इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं बाय वेट के अकॉर्डिंग अगर मान के चले, तो जो 60 से 80% का जो कैटेचिन्स होता है, जैसे ईजीसीजी, कैटेचिन्स क्या होते हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल डैमेज हो रहा है, बेफालतू का हो रहा है, तो उसको वो बचाती है वहां से, ताकि वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करे, राइट। और दोस्तों, अभी जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये कह रही हैं कि ग्रीन टी के बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली वेट लॉस के अंदर, वेट लॉस के अंदर, ताकि जो लीवर के संबंधित समस्याएं हैं वो कम हो रही हैं, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो रहा है, अल्जीमर डिजीज का खतरा कम हो रहा है। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग ग्रीन टी। ग्रीन टी की वजह से हमें ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब दोस्तों, कीवा तुलसी ग्रीन टी 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कलरिंग नहीं है, कैफीन बहुत कम मात्रा में है, और फ्लेविनॉइड्स बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर मौजूद रहते हैं, राइट। मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट लीव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी बेहतरीन चाय पत्तियां हैं, चाय के बगान है, वहां से तरोताजा जो पत्तियां हैं वहां से उनको ली जाती है, लाइट फ्लेवर रहता है, नेचुरल अरोमा जो है उसका रहता है। तो दोस्तों, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्रीन टी विद तुलसी दैट एड्स अप द हेल्थी बेनिफिट्स। अच्छा, सबसे शानदार एक परफेक्ट जो ब्लेंड रहता है यहाँ पे ग्रीन टी का, जो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर हम बात करें तुलसी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, और आपकी जो लाइफ है उसकी लॉन्गेविटी को उसको बढ़ा रहा है। ग्रीन टी हैज फैट बर्निंग क्वालिटीज, डेफिनेटली ये आपके जो एक्सेस फैट है बॉडी में उसको बर्न करने में हेल्प करता है, वेट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, और जो एजिंग प्रोसेस है, अगर जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, लग रहा है कि चेहरे से, स्किन से अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो उसमें ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, राइट। बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग ग्रीन टी के दोस्तों बारे में बात करें, तो ग्रीन टी एंड कैंसर प्रिवेंशन,
अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उनके अनुसार पॉलीफिनोल्स जो होते हैं चाय में तो वो आपके ट्यूमर की ग्रोथ को वहां पे रोक देते हैं। और लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने यहाँ पे चेक किया है, क्योंकि जो बहुत सारा जो डैमेज होता है, क्योंकि यूवी रेज जो पड़ती हैं जब हम इसका कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जो पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट लेता है, तो यूवी रेज, यूवीबी रेडिएशन, उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो ये उसको कवर अप करने का काम करता है। राइट, ग्रीन टी एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल, एक एनालिसिस पब्लिश हुआ था 2011 में जो कहता है कि ग्रीन टी की वजह से जो हम बात करें एलडीएल की, जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कमी देखने के लिए मिली है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है। राइट, और दोस्तों ग्रीन टी एंड वेट लॉस की अगर हम बात करें तो ये वेट लॉस को, मोटापे को कम करता है। जो ओवरवेट है, जो ओबीस है, एडल्ट्स हैं, उनके अंदर अगर मोटापा है, फैट अगर ज्यादा है, फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। राइट, ग्रीन टी एंड इंफ्लेमेटरी स्किन डिजीज, 2007 की जो स्टडी कहती है कि ग्रीन टी बेसिकली आपका जो न्यू ट्रीटमेंट है स्किन डिसऑर्डर के लिए, चाहे वो सोरेसिस हो गया या डैंड्रफ हो गया, इन सभी में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। हाउ टू कंज्यूम, लेना कैसे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, कीवा तुलसी ग्रीन टी को लेना बिल्कुल सिंपल है। रोज सुबह कीवा काइप इंडस्ट्रीज के जितने भी लीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको लेना चाहिए रोज सुबह। राइट, बॉइल फ्रेश वाटर, पानी है उसको गर्म करेंगे, जैसे हम चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं, सिंपल वही है। राइट, एंड कूल इट अ लिटिल टेम्परेचर इज 80-80 degrees तक, यानी कि नॉर्मल सा थोड़ा सा, जैसे गर्म पानी होता है पानी उबल जाता है, उतना उबालना नहीं है, थोड़ा सा उसको रख लेना है। राइट, तो इसमें से एक टी बैग जो है उसको निकाल के कप में, कप के अंदर आप उसको रख सकते हैं। राइट, और लीड को कवर कर सकते हैं, 1-3 मिनट तक आप उसको रख सकते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से उसके अंदर जो उसकी पत्तियां हैं ग्रीन तुलसी ग्रीन टी की, वो उसके अंदर घुल जाए। टी बैग को उसके बाद रिमूव कर दीजिए एंड एंजॉय योर कप ऑफ टी, और आप अपनी कप ऑफ टी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बुरी आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं कि जो चाय पहले से पीते आ रहे हैं वही पीनी है, वही दूध डाल के, वही अदरक वाली चाय, वही सभी चीजें। अदरक अच्छा है, पानी अच्छा है, चाय पत्ती अच्छी है, लेकिन जैसे ही उसमें दूध डालते हैं तो वो एसिड बन जाता है, क्योंकि फिर जब सुबह की चाय पीते हैं तो जब एसिड बनता है तो फिर जो सुबह की खाली पेट वाली गोली लेते हैं ना, तो 90% कारण यही होता है सुबह की चाय अगर ऐसी हो ना, तो जिंदगी भर आपको कभी खाली पेट वाली जो गोली है ना वो कभी लेनी ना पड़े आपको। राइट, रीजन क्या है, सुबह वाली जो हम चाय पीते हैं दूध डाल के, बाकी सब ठीक है, जब दूध डालते हैं तब प्रॉब्लम आती है। राइट, फॉर मैक्सिमम बेनिफिट दोस्तों इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर मिल्क और शुगर मत डालिए इसके अंदर, तो आप इसके अंदर जो स्पून है, जो एक चम्मच जैसे हनी है, शहद वगैरह हो गया, टेस्ट को एंजॉय करने के लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और बैग को, यूज बैग को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि बाद में आप इसको फेशियल क्लींजर के लिए और सूदिंग आई पैक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस्तेमाल होने के बाद भी कीवा तुलसी ग्रीन टी का कितने बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं बेनिफिट उठाना चाहिए। राइट, जैसे ही आप इसको टी बैग को इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने घोला, 3-4 मिनट रखा, उसके बाद उस बैग को निकाले, उसको बस उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में इसको रख दीजिए, बाद में आप उसको फेशियल क्लींजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, मोटापा भी कम हो रहा है, सुंदरता भी आ रही है। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए, और आशा हूं कि ये जो आज का मिशन फिट इंडिया है ये आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मिशन लेके चलेंगे, अगर ऐसे ही चलेंगे सो ही जाना है, तो माय डियर फ्रेंड इट्स अप टू यू। लेकिन डेफिनेटली अगर हम बहुत कुछ अच्छा और नया करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड इनिशिएटिव लीजिए, अपने आप को आगे लेके आइए, अपनी टीम को आगे लेके आइए, और खुद अपनी टीम के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का आज के शानदार वेबिनार में जुड़ने के लिए। राइट, तो बहुत जल्द आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।